ओ मेरी झोपड़ी के माया चले जाएगी शाम। मेरी झोपड़ी के माया चले जाएगी शाम। जितना आनंद आनंद आएगा उससे कहीं ज्यादा ज्यादा आनंद आएगा। ताली बजाओ। शाम आए हैं तो अंगना श्री खाटू श्याम परिवार सेवा समिति रजिस्टर्ड कुरुक्षेत्र द्वारा खाटू धाम मंदिर में सोमवार रात्रि भव्य श्री श्याम संकीर्तन एवं विशाल भंडारा आयोजित किया गया। जानकारी देते हुए श्री श्याम मंदिर कुरुक्षेत्र धाम के मुख्य पुजारी आचार्य शंभु प्रसाद और महासचिव रमेश शर्मा ने बताया कि मंदिर का तीसरा स्थापना महोत्सव हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ आयोजित किया गया, जिसमें श्री श्याम जी का पुष्प श्रृंगार और अभिषेक किया गया। सुबह मंदिर में हवन किया गया, जिसमें समिति के सभी सदस्यों और यजमानों ने आहुतियां दी। संकीर्तन में श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर भव्य श्याम दरबार के दर्शन किए। इस अवसर पर विधायक सुभाष सुधा ने श्याम दरबार में आशीर्वाद लिया और मंदिर का अवलोकन करने के उपरांत अति शीघ्र श्री श्याम तोरण द्वार एवं चौक निर्माण की घोषणा की। इसके लिए सुधा ने समिति सदस्यों से कुरुक्षेत्र नगर के किसी भी उपयुक्त स्थान का चयन करके सूचित करने के लिए कहा। विधायक सुभाष सुधा की इस घोषणा का सभी श्याम भक्तों ने स्वागत किया। दरबार की आभा देखते ही बन रही थी। पुष्प श्रृंगार और इत्र की खुशबू से वातावरण महक उठा। गौरी गणेश पूजन और मां सरस्वती वंदना से आरंभ हुए संकीर्तन में गायकों बंटी पांचाल और दिल्ली से भविष्य सीकरी ने श्याम भजनों की झड़ी लगाई, जिनमें तू किरण कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, दरबार अनोखा सरकार अनोखी, खाटू वाले की हर बात अनोखी, देर न करो इंतजार, शाम के चरणों से कर ले तू प्यार, शायद मेरे बाबा को ख्याल हमारा आया है, इसीलिए बाबा ने हमें कीर्तन में बुलाया है, और जिसकी चौखट पे झुकता ये संसार है और उस चौखट के हम सेवादार हैं, इत्यादि भजन सराहे गए। देर रात्रि तक चले भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। श्याम जी के जयकारों से सारा वातावरण गुंजायमान हुआ। समिति पदाधिकारियों ने श्याम भक्तों से निवेदन किया कि मंदिर में श्री श्याम रसोई और मंदिर विस्तार हेतु करवाए जा रहे निर्माण कार्य में सभी तन मन धन से सहयोग करें। संकीर्तन में श्याम भक्तों ने बारी बारी से चंवर सेवा की। संकीर्तन के दौरान श्याम जी की गाथा में बताया गया कि ये हारे के सहारे हैं, इनके दरबार से आज तक कोई निराश नहीं हुआ है। संकीर्तन के पश्चात आरती हुई और आरती के बाद श्याम जी का पुष्प श्रृंगार भक्तों को प्रदान किया गया। मान्यता है कि पुष्प श्रृंगार से सभी बाधाएं दूर होती है। संकीर्तन के साथ साथ विशाल भंडारा चलता रहा, जिसमें श्याम भक्तों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। श्री श्याम आरती में प्रधान सुभाष सुखीजा, उपाध्यक्ष अटल शर्मा, कोषा अध्यक्ष आशीष चोपड़ा व राजेश मोदगिल, एल डी कम्बोज, विनीत राजपाल, राजू छाबड़ा, अशोक शर्मा, राकेश चौहान, अशोक अरोड़ा, लवकेश शर्मा, विजय गुलाटी, डॉक्टर प्रवीण शर्मा, अनिरुद्ध ललित अत्री, शेर सिंह शेरा, कृष्ण कुमार, सुरेंद्र काटपाल, हिमांशु मल्होत्रा और नरेश सैनी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। इसी प्रकार से क्षेत्र के अंदर जब मैं कल आया, मुझे पहले भी आने का बहुत अवसर मिलता है, हर साल मिलता है, तो मन बड़ा खुशी हुआ कि बाबा का यह मंदिर यहाँ पर बन कर किस प्रकार से चालू है। तो मैं चाहूँगा आपका सहयोग तो रहेगा, लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर से कहूँगा कि बाबा के घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, ना कमी हम आने देंगे, ये भी आपके साथ।